अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खैर से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज फिर मैं आपको ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से काला डोरिया नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट ड्रामा है। अब इस ड्रामे के बहुत अच्छे सीन्स आने वाले हैं जिसमें आप देखेंगे कि महानूर और असफी की शादी स्टार्ट होने वाली है अभी इस ड्रामे में। यानी दोनों एक दूसरे से मोहब्बत तो करने लग गए हैं, यानी मोहब्बत के इजहार महानूर ने और असफी ने एक दूसरे के साथ कर दिया है। दोनों एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते, लेकिन जो इनकी फैमिलीज हैं, फैमिलीज के क्लैशेस जो आ रहे हैं, यही दोनों दूर करेंगे इन फैमिलीज के क्लैशेस को और दोनों फैमिलियों को एक साथ इकट्ठा कर देंगे और अपनी शादी का हल्ला गुला खूब धूमधाम से मनाएंगे। यानी दोनों की फैमिली भी राजी हो जाएगी असफी और महानूर की शादी के लिए। लेकिन अभी इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि इन दोनों की खट्टी मीठी हल्की फुल्की सी लड़ाई चल रही है, जिसके बाद महानूर जो है मोहब्बत ही मोहब्बत में लड़ाई भी कर देते हैं असफी और महानूर। जिसके बाद असफी कहते हैं कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे हाथ मत लगो, यानी गुस्से का इजहार कर रहा है। तो महानूर रिलाइज होता है उसको कि गलत है, जिसके बाद महानूर अपनी गलती की माफ़ी मांगेगी, दोनों की गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। यानी असफी और महानूर दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है और दोनों एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत और पसंद करने लग गए हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि दोनों फैमिली अपने क्लैशेस जो भी इनके दरमियान थे वो दूर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और महानूर और असफी की शादी के लिए एग्री हो जाएंगे और फिर इनकी शादी एंगेजमेंट हो जाएगी। बहुत अच्छे सीन्स आने वाले हैं इस ड्रामे में। नाज़रीन ड्रामा से काला डोरिया कुछ इसमें इंटरटेनमेंट है, फ़नी है और बहुत अच्छा रोमांस भी दिखाया जा रहा है इस ड्रामे में। नाज़रीन आपको ड्रामा से काला डोरिया में महानूर और असफी की शादी हो जानी चाहिए। आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। आपको ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खैर से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज फिर मैं आपको ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से काला डोरिया नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट ड्रामा है। अब इस ड्रामे के बहुत अच्छे सीन्स आने वाले हैं जिसमें आप देखेंगे कि महानूर और असफी की शादी स्टार्ट होने वाली है अभी इस ड्रामे में। यानी दोनों एक दूसरे से मोहब्बत तो करने लग गए हैं, यानी मोहब्बत के इजहार महानूर ने और असफी ने एक दूसरे के साथ कर दिया है। दोनों एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते, लेकिन जो इनकी फैमिलीज हैं, फैमिलीज के क्लैशेस जो आ रहे हैं, यही दोनों दूर करेंगे इन फैमिलीज के क्लैशेस को और दोनों फैमिलियों को एक साथ इकट्ठा कर देंगे और अपनी शादी का हल्ला गुला खूब धूमधाम से मनाएंगे। यानी दोनों की फैमिली भी राजी हो जाएगी असफी और महानूर की शादी के लिए। लेकिन अभी इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि इन दोनों की खट्टी मीठी हल्की फुल्की सी लड़ाई चल रही है, जिसके बाद महानूर जो है मोहब्बत ही मोहब्बत में लड़ाई भी कर देते हैं असफी और महानूर। जिसके बाद असफी कहते हैं कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे हाथ मत लगो, यानी गुस्से का इजहार कर रहा है। तो महानूर रिलाइज होता है उसको कि गलत है, जिसके बाद महानूर अपनी गलती की माफ़ी मांगेगी, दोनों की गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। यानी असफी और महानूर दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है और दोनों एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत और पसंद करने लग गए हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि दोनों फैमिली अपने क्लैशेस जो भी इनके दरमियान थे वो दूर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और महानूर और असफी की शादी के लिए एग्री हो जाएंगे और फिर इनकी शादी एंगेजमेंट हो जाएगी। बहुत अच्छे सीन्स आने वाले हैं इस ड्रामे में।
नाज़िम ड्रामा से काला डोरिया कुछ इसमें इंटरटेनमेंट है, फनी है और बहुत अच्छा रोमांस भी दिखाया जा रहा है इस ड्रामे में। नाज़िम आपको ड्रामा से काला डोरिया में महनूर और असफी की शादी हो जानी चाहिए। आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। अगर अपनी है मेरे चैनल पे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खैरियत से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली हैं। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से काला डोरिया नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट ड्रामा है। अब इस ड्रामे के बहुत अच्छे सीन्स आने वाले हैं जिसमें आप देखेंगे कि महनूर और असफी की शादी स्टार्ट होने वाली है अब इस ड्रामे में। यानी दोनों एक दूसरे से मोहब्बत तो करने लग गए हैं, यानी मोहब्बत का इजहार महनूर ने और असफी ने एक दूसरे के साथ कर दिया है। दोनों एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते, लेकिन जो इनकी फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ के क्लैशेस जो आ रहे हैं यही दोनों दूर करेंगे इन फैमिलीज़ के क्लैशेस को और दोनों फैमिलियों को एक साथ इकट्ठा कर देंगे और अपनी शादी का हल्ला गुला खूब धूमधाम से मनाएंगे। यानी दोनों की फैमिली भी राजी हो जाएगी असफी और महनूर की शादी के लिए। लेकिन अभी इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि इन दोनों की खट्टी मीठी हल्की फुल्की सी लड़ाई चल रही है, जिसके बाद महनूर जो है मोहब्बत ही मोहब्बत में लड़ाई भी कर देते हैं असफी और महनूर। जिसके बाद असफी कहता है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे हाथ मत लगो, यानी गुस्से का इजहार कर रहा है। तो महनूर रिलाइज होता है उसको कि गलत है, जिसके बाद महनूर अपनी गलती की माफ़ी मांगेगी, दोनों की गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। यानी असफी और महनूर दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है और दोनों एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत और पसंद करने लग गए हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि दोनों फैमिली अपने क्लैशेस जो भी इनके दरमियान थे वो दूर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और महनूर और असफी की शादी के लिए एग्री हो जाएंगे और फिर इनकी शादी एंगेजमेंट हो जाएगी। बहुत अच्छे सीन्स आने वाले हैं इस ड्रामे में। नाज़िम ड्रामा से काला डोरिया कुछ इसमें इंटरटेनमेंट है, फ़नी है और बहुत अच्छा रोमांस भी दिखाया जा रहा है इस ड्रामे में। नाज़िम आपको ड्रामा से काला डोरिया में महनूर और असफी की शादी हो जानी चाहिए। आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। अगर अपनी है मेरे चैनल पे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खैरियत से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली हैं। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से काला डोरिया नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट ड्रामा है।
अब इस ड्रामे के बहुत अच्छे सीन्स आने वाले हैं जिसमें आप देखेंगे कि महनू और अश्वी की शादी स्टार्ट होने वाली है अभी इस ड्रामे में। यानी दोनों एक दूसरे से मोहब्बत तो करने लग गए हैं, यानी मोहब्बत का इजहार महनूर ने और अश्वी ने एक दूसरे के साथ कर दिया है। दोनों एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते, लेकिन जो इनकी फैमिलीज हैं, फैमिलीज के क्लैशेस जो आ रहे हैं, यही दोनों दूर करेंगे इन फैमिलीज के क्लैशेस को और दोनों फैमिलियों को एक साथ इकट्ठा कर देंगे और अपनी शादी का हल्ला गुला खूब धूमधाम से मनाएंगे। यानी दोनों की फैमिली भी राजी हो जाएगी अश्वी और महनूर की शादी के लिए। लेकिन अभी इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि इन दोनों की खट्टी मीठी हल्की फुल्की सी लड़ाई चल रही है, जिसके बाद महनूर जो है मोहब्बत ही मोहब्बत में लड़ाई भी कर देते हैं अश्वी और महनूर। जिसके बाद अश्वी कहता है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे हाथ मत लगो, यानी गुस्से का इजहार कर रहा है। तो महनूर रिलाइज होता है उसको कि गलत है, जिसके बाद महनूर अपनी गलती की माफ़ी मांगेगी, दोनों की गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। यानी अश्वी और महनूर दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है और दोनों एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत और पसंद करने लग गए हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि दोनों फैमिली अपने क्लैशेस जो भी इनके दरमियान थे वो दूर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और महनूर और अश्वी की शादी के लिए एग्री हो जाएंगे और फिर इनकी शादी एंगेजमेंट हो जाएगी। बहुत अच्छे सीन्स आने वाले हैं इस ड्रामे में। नाज़िम ड्रामा से काला डोरिया कुछ इसमें इंटरटेनमेंट है, फ़नी है और बहुत अच्छा रोमांस भी दिखाया जा रहा है इस ड्रामे में। नाज़िम आपको ड्रामा से काला डोरिया में महनूर और अश्वी की शादी हो जानी चाहिए, आपने अपनी कीमत रेखा इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। आपको ड्रामा से काला डोरिया की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अपनी है मेरे चैनल पे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।